छिपाबड़ौद उपखंड एवं तहसील क्षेत्र में चल रहे पेचवर्क कार्यों में ठेकेदारों द्वारा सरकार को छोटे छोटे गड्ढों में बड़े बड़े पेच लगाकर चूना लगा रहे हैं। बारां जिले के छिपाबड़ौद उपखंड के ग्राम पंचायत ढोलम से आज नावर और बारावदा चल रहे पैच वर्क कार्य में ठेकेदार द्वारा संबंधित विभागीय अधिकारी और कर्मचारियों की अनदेखी के चलते बड़े बड़े पैच करके सीधा सीधा सरकार को चूना लगा रहे हैं। राहगीर एवं ग्रामवासियों ने जानकारी देते हुए बताया कि साहब जहां पर बड़े गड्ढे हो रहे थे सड़क में, वहां पर ठेकेदारों द्वारा सफाई किए बिना ही पुराने गड्ढों में मिट्टी की गार भर दी गई, चुर्री मिली हुई डामर डालकर पैच कर दिया जो कभी भी वापस मिट सकता है। वहीं दूसरी ओर कई ऐसे पैच भी लगाए गए जहां पर बिना साफ किए और बिना साइडें बनाए उन्होंने पेच कर दिए। नमस्कार, मैं कुलदीप सिंह सिरोही, आप देख रहे हैं मेरे साथ। ये ग्राम पंचायत अजनावर मुख्यालय से बरौदा की ओर जाने वाली सड़क, जिस पर ठेकेदारों द्वारा विभागीय जो संबंधित विभागीय अधिकारी और कर्मचारियों की मिली भगत से सरकार को लगाया जा रहा है चूना, वो इस तरीके से यहाँ पे छोटा सा जो गड्ढा था उस गड्ढे को भरने के लिए इन्होंने कम से भी कम 30 फीट लंबा एक डामर की जो चादर है ये बिछा दी गई है और ये सीधा सीधा सरकार को चूना है। ये डामर नहीं है, ये एक चूना है। और डामर भी अगर देखा जाए तो इसमें डामर का भी कहीं से कहीं तक कोई रोल नहीं है, डामर नाम मात्र है। और इसको भी बीच बीच में इन्होंने जो टुकड़े लगाए हैं, बीच बीच में जो 6-6 इंच के एक एक फिट के जो गड्ढे थे उस पर भी इन्होंने 8-8, 10-10 फिट के बड़े पेच वर्क जो किए हैं ये सीधा राज्य सरकार को चुना है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।